शनिवार का बेहतरीन दिन। नमस्ते, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी और इस वीडियो स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हमारी टीम पहुंच चुकी है सोलन सब्जी मंडी, आप सभी तक आज के जो ताजा सब्जियों के भाव क्या रहने वाले हैं, फ्रूट्स के भाव क्या रहने वाले हैं, वो बताने के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि आज के जो भाव है हमारे जितने भी किसान हैं उन तक सही तरीके से पहुंच पाए। मैं भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, टमाटर की कुछ एक क्रेट्स मेरे सामने पड़ी है। अब ये टमाटर आज का कहां से आया है? दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आज टमाटर के भाव क्या रहने वाले हैं वो भी आप सभी तक बताएंगे। अगर मैं बात करूं तो भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, लहसुन भी यहां पर आ चुका है, आज का लहसुन का रेट क्या रहने वाला है, क्या आने वाले दिनों में जो लहसुन के प्राइस है वो बढ़ेंगे? घिया भी दिख रहा है, हरी मिर्च भी दिख रही है, मटर भी दिख रहा है, हरा धनिया भी दिख रहा है। सो जितनी भी सब्जियां है, फ्रूट्स है, सब फ्रेश दिख रहा है, लेकिन इन फ्रेश सब्जियों और फ्रूट्स के दाम आज क्या रहने वाले हैं वो मैं आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा। मैं भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार अपना फोन मुझे दें, ताकि मैं लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ सकूं। आप जो है इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अभी फिलहाल 126 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को सभी लोगों तक जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। कुछ टाइम के बाद बीन की बोली भी लगेगी, बीन का आज रेट क्या रहने वाला है वो भी मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। श्याम शर्मा जी गुड मॉर्निंग, सतीश कुमार जी लहसुन का भी प्राइस जरूर बताऊंगा, रोहित चौहान जी आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन आज सब्जियों के रेट्स क्या रहने वाले हैं वो मैं आप सभी तक आज जरूर बताना चाहूंगा। अनिल सर हमारे साथ है, हमारे जो आज के एक्सपर्ट है। अनिल सर आपका लाइफ टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज अगर हम बात करें टमाटर की, तो आज टमाटर का भाव क्या है? टमाटर का भाव वही तकरीबन कल वाला ही चल रहा है, 550 से लेके जो नीचे से अपना हरियाणा वाला 700-750 जी। ओए चेरी लेके आया, एक मिनट एक सेकंड। ओ बिट्टू चलिए, आज का टमाटर का भाव 700-750 चल रहा है, और शिमला मिर्च और जो लोकल टमाटर बिका है वो 700 से लेके 800 रुपए तक बिका है। अभी लोकल टमाटर कहाँ से आ रहा है? लोकल टमाटर ये गंबरपुर वगैरह शुरू हुआ है अभी नहीं जी। हाँ जी, क्या आने वाले दिनों में क्या टमाटर के भाव बढ़ने वाले हैं? हाँ नहीं बढ़ने वाले तो नहीं, लेकिन यही रहेगा, हो सकता है शायद नीचे जाए बाजार, क्योंकि यहाँ की भी आमदनी शुरू हो जाएगी, नीचे वालों की डिमांड कम हो जाएगी जी। तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन होगा। शिमला मिर्च का आज का प्राइस क्या है सर? शिमला मिर्च आज बिकी है जी 30 से लेके 35 रुपए तक, और जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी वो 25 रुपए भी बिकी है। अगर हम बीन की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई बीन के बारे में पूछ रहे हैं कि बीन का आज का रेट क्या है और आने वाले दिनों में बीन के प्राइस क्या बढ़ेंगे? बीन जो आज का रेट तो रहा जी 50 रुपए तक बिकी है जी, लेकिन उम्मीद है कि मतलब इसी के बीच में चलने वाली उम्मीद है अभी, क्योंकि बीन की आमदनी काफी बढ़ गई है जी, एक दो जगह इलाके नए और भी शुरू हो चुके हैं, इसलिए आमदनी बढ़ती जा रही है बीन। अभी बीन सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आ रहा है, सोलन से आ रहा है? मेन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आ रही है जी, और सोलन से भी प्रॉपर बराबर ही चली है लगभग जी। अगर हम बात करें गाजर की, तो उसका आज का प्राइस क्या है? गाजर बिके आज 15 से लेके 18 रुपए तक। बंद गोभी एंड फुल गोभी? बंद गोभी कट्टा बिका है जो 40 किलो का 450-500 रुपए जी। हरा धनिया की बात करें, हरा धनिया बिका जी आज 50 और 55 के बीच में। मटर बिका है 55-60 रुपए। बैंगन की बात करें तो उसका आज का रेट? बैंगन जो है जी नया जो आ रहा है वो 25 रुपए तक बिका है जी, और जो बैंगनी लंबी वो बिकी है 18 से 20 रुपए तक। कद्दू की बात करें तो उसका आज का रेट? कद्दू लगभग 8 से 10 रुपए के बीच जा रहा है। खीरा जो तो लोकल है वो बिका जी 8 रुपए 10 रुपए, और जो नीचे वाला लगभग वो भी 8 से 10-12 रुपए तक ही बिका है। आलू के आज के रेट क्या है? आलू क्या लोकल आना शुरू हुआ है? हाँ जी, आलू अब लोकल शुरू हो गया, लोकल आलू बिका जी 22 से लेके 24 रुपए तक जी, और जो नीचे वाला आलू जो नगरोटा है वो बिक रहा है 1000 रुपए का कट्टा 50 किलो का जी। मूली की बात करें तो उसका रेट क्या है? मूली आज बिके जी 20 रुपए 25 रुपए जी। भिंडी 15 से लेके 18 रुपए तक। अगर हम घी की बात करें तो मेरे सामने कुछ घी के कट्टे भी है, तो घी का आज का रेट क्या है? लगभग 10 और 12 रुपए जी। अगर हम बात करें प्याज की, तो उसका आज का दाम क्या है? प्याज बिक रहा है जी 12 रुपए से लेके 15.5 रुपए तक। करेला?
करेला भी लगभग 14-15 रुपए किलो। लहसुन आज का भाव क्या है, आने वाले दिनों में क्या लहसुन के भाव और बढ़ेंगे? लहसुन का रेट थोड़ा सा टूटा है जो एक कल की अपेक्षा, और आने वाले दिनों में भी कुछ उम्मीद नहीं लग रही कि अब बढ़ेगा, और 4-5 रुपए डाउन हुआ है लहसुन का रेट। जो अच्छे टॉप वाला लहसुन है उसका रेट क्या है? जो टॉप जैसे जो 90-95 तक था वो 80 रुपए के करीब पहुंच गया है जी। बाकी जो छोटा है हल्का वाला लहसुन जो 25 था वो 20 रुपए हो गया है जी। और जो मीडियम था जो 60 था वो आज 50 रुपए तक बिका है जी। अदरक की बात करें तो उसका आज का रेट क्या है? अदरक में थोड़ा सा उछाल आया है, अदरक 60 रुपए तक बिका है जो बढ़िया सिलीगुड़ी है जी। मशरूम की बात करें तो उसका रेट? मशरूम 100 से 120 रुपए ही चल रही है कई दिनों से, और यही लगभग चलेगा आगे भी। हरी मिर्च 30 से 35 रुपए तक। पालक की जो गुच्छी आती है? पालक वही 12 रुपए गुच्छी बिक रहा है। जिमीकंद की बात करें तो उसके रेट क्या है? जिमीकंद 35 से 40 के बीच। काली तोरी 14-15 रुपए। टिंडा भी मार्केट में बहुत दिख रहा है, तो उसका रेट 20-22 रुपए किलो। अगर हम सेब की बात करें तो वो अभी कहाँ से आ रहा है, उसके आज के भाव क्या है? सेब वही अभी हमारा हिमाचल का स्टोर जो है वही चल रहा है जी। वो लगभग समझ लो 10 केजी वाला 1100 की रेंज में जा रहा है जी। गोल्डन और रॉयल लगभग जो किनोर और बढ़िया वाला। अनिल सर अगर हम पपीते की बात करें तो उसके आज के भाव? पपीता लगभग जी 25-30 के बीच में बिक रहा है। और नींबू? नींबू भी थोड़ा सा डाउन हुआ है पिछले दिनों की अपेक्षा जी, आज तो 80 रुपए तक बिका है नींबू। अनार के भाव क्या चल रहे हैं? अनार जो बहुत बढ़िया क्वालिटी अभी नहीं आ रही है जी। जो बहुत अच्छी क्वालिटी है जो अंदर से भी लाल और अच्छा है वो तो लगभग 1500 रुपए का बॉक्स है 10 किलो का जी। केले की बात करें तो उसके रेट? केला वही 400 से लेके 420 रुपए सैकड़ा। कीवी? कीवी बिक्री है ट्रे 2-2.5 किलो की, वही 400-500 के बीच तक। अगर हम चेरी की बात करें तो उसके रेट? चेरी जो किलो वाली बॉक्स चल रहा है मतलब 100 से लेके 280 रुपए तक बॉक्स, अलग अलग जो ब्लैक है कोई रेड है कोई वो अलग अलग जैसे वैरायटी में। बहुत सारे हमारे किसान भाई पलम भी बेच रहे हैं, तो पलम का आज का रेट क्या है? पलम लगभग समझो जी 10 रुपए से शुरू हो रहा है और लगभग समझो 40 रुपए तक बिक रहा है। क्या आने वाले टाइम में पलम के भाव बढ़ेंगे? नहीं लगभग यही रहेगा, डाउन जाने के सहारे की आमदनी बढ़ जाएगी तो पलम का भाव नीचे जाएगा आने वाले टाइम में। अंगूर की बात करें तो उसके आज के भाव क्या है? अंगूर समझ लो 550 से 600 रुपए तक बिक रहा है। तरबूज 8 से 10 रुपए। खरबूजा लगभग 10 से 12 रुपए तक। आम की बात करें तो उसके आज के रेट क्या है? आम थोड़ा रेट डाउन हुआ है, सफेदा जो था वो आज जो पिछले दिनों में 70 रुपए तक बिका आज वो 60-65 रुपए बिका है। दशहरी भी थोड़ा रेट टूटा है वो 70 रुपए तक बिका जो 80 रुपए था जी। और आने वाले दिनों में और भी डाउन जाने के सहार है, दशहरी अब बढ़ते ही जाएगी आमदनी। अनिल सर मैं कुछ एक कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा, 1 सेकेंड। आप इस लाइव स्ट्रीम को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो आज का लाइव है वो जरूर पहुंच सके। मटर का रेट पूछ रहे हैं लोग हैं जी। मटर का आज मटर आज भी गया जी 55 से 60 रुपए तक। खुरमानी लगभग 40 से 50 रुपए। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या लहसुन के रेट बढ़ेंगे? नहीं कोई उम्मीद नहीं है जी, अभी फिलहाल स्टेबल हो जाए वो भी बहुत है क्योंकि रेट डाउन की तरफ जा रहा है लहसुन। भिंडी तो वही 16 से 18 रुपए तक। चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आज के जो ताजा सब्जियों के भाव है जो फ्रूट्स के भाव है वो क्या रहने वाले हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि आज के जो सही वाले भाव है वो लोगों तक पहुंच सके। अभी मेरे सामने सानी साहब भी है। सानी साहब एज ए एक्सपर्ट, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। थैंक यू भाई। एज ए एक्सपर्ट बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि लहसुन क्या स्टोर करना चाहिए, क्या बनने वाले लहसुन के रेट आने वाले दिनों में? मोटे माल की तो कोई दिक्कत नहीं है जी, छोटे माल तो मार्केट में निकाल देने चाहिए जी। मोटे का रेट डाउन नहीं होता, जैसे 80 रुपए फोरे बिक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपकी क्या राय रहेगी कि निकाल देना चाहिए? किसान को तो निकाल ही देना चाहिए, क्यों टेंशन लेनी जी। जो 80 वाला माल है अगर 100 बाद में बिके तो पैसे तो 80 के ही आ रहे ना जी। वेट घटेगा जी। हाँ बीन की बात करें तो उसके भाव बनने वाले क्या? बीन आज रहेगी मेरे आईडिया में 40 से 45 के बीच में रहेगी जी। हाँ जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स टीवी में। स्वागत है जी। आपके नाम क्या है? चंदन लाल जी करते क्या है? सब्जी मंडी में दुकान है जी 11 नंबर। अच्छा, आपकी क्या राय है जितने भी है किसान भाई है कि लहसुन को स्टोर करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? कुछ नहीं कह सकते, नीचे की फसल बंपर है जी इस बार जी।
तो क्या आने वाले दिनों में लहसुन के रेट बढ़ेंगे? कुछ नहीं कह सकते, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है, चलिए जी धन्यवाद। तो आप सभी किसान भाइयों से ये आग्रह है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हमने बात की कि आने वाले दिनों में हो सकता है लहसुन के रेट बढ़े या ना बढ़े, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी लहसुन स्टोर करना है या फिर उसे बेच देना है। आपसे ये रिक्वेस्ट कि आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हम हैं लाइव टाइम्स टीवी, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। शनिवार का बेहतरीन दिन, नमस्ते।